वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जामिया एमबीए 2021 हेल्थ केयर का जो आज एग्जाम हुआ है, इसके हम पहले पॉइंट्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे भी शॉर्टकट मेथड से कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोड था M82 और सेट ए की हम बात कर रहे हैं। 106 से इसमें क्वेश्चन शुरू हुए हैं। तो देखिए 106 में दे रखा है, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग, यानी कि जिसको टाइम लग रहा है वो 30 सेकेंड लग रहा है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में 500 प्लस 150 और टाइम है 30 सेकेंड, ये आ गया 650 अपॉन 30 उसकी स्पीड हो गई। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग, तो कितना टाइम लगेगा। टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 370 प्लेटफॉर्म का और 150 तो ट्रेन की लेंथ, अपॉन स्पीड है हमारे पास देखिए 650 अपॉन 30, तो दिस विल बी इक्वल टू 370 प्लस 150 520 अपॉन 650 इनटू 30, 0 से 0 34 जा 5 जा 5 से कैंसिल 6 24 सेकंड्स, आंसर इज ऑप्शन बी 24 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है, अ स्विमर swims a distance of 36 km in 6 hours downstream and a distance of 40 km upstream in 8 hours. What is his speed in still water? तो देखिए इसमें क्या रिलेशन हो जाएगी, जब डाउनस्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं तो 36 का डिस्टेंस है, उसकी स्पीड हम मान लेते हैं एक्स मैन की, तो और स्ट्रीम की वाटर की स्पीड मान लेते हैं डब्ल्यू। तो क्या करता है, वाटर स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में सपोर्ट करता है, ये हमें गिवन है 6, और दूसरा हमें दिया गया है 40 अपॉन अप स्ट्रीम जब जाएगा तो अपोज करता है वाटर, तो एक्स माइनस डब्ल्यू ये दे रखा है हमें 8। अब पूछ रहा है उसकी स्पीड, देखिए यहाँ रिलेशन से हम डायरेक्ट देख सकते हैं 36 इज एक्स प्लस डब्ल्यू, तो एक्स की जो वैल्यू है अगर वो 6 या 6 से बड़ी है तो देखिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव, ये आ जाएगी निगेटिव, इसलिए इसमें से ये कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम शॉर्टकट से कर रहे हैं कि कैसे हम ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट 108, 2 पर्सन ए एंड बी वॉक फ्रॉम पी टू क्यू विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर, तो पी से क्यू जाना है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 21 किलोमीटर। ए भी जा रहा है इस साइड, ए की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। बी रीचेस क्यू एंड रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट्स ए टू आर, आर पर आके मीट कर रहा है, तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर। तो देखिए जब बी क्यू पर पहुंच गया तो बी कितने टाइम में पहुंच गया होगा, 21 अपॉन 4 आवर्स, तो 21 टोटल है और बी की स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, तो इतने टाइम में पहुंचा होगा। इतने टाइम में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मान लिए तो टाइम है 21/4 × 3, ए ने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, ऐसा मान लेते हैं, मान लो जेड है कोई पॉइंट, और बी कहाँ तक पहुंच गया था इस टाइम, क्यू तक। अब बी इस तरफ को आ रहा है, वापस रिटर्न कर रहा है 4 की स्पीड से, और ए यहाँ से इस तरफ जा रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट टी टाइम पर ये दोनों मीट करते हैं, तो तीन टाइम पर ये दोनों मान ली इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, दिस इज आर, तो टोटल डिस्टेंस का देखिए 21, उसमें से ए यहाँ से पी से जेड तक चल चुका है 21/4 × 3, तो ये जेड और क्यू जो डिस्टेंस है ये हमें मिल गया इतना है, तो जेड क्यू की वैल्यू हो गई 21, अगर मैं कॉमन ले लूं तो 3/4 − 1 यानी 1/4, दिस मच, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड क्यू, जेड और क्यू के बीच की वैल्यू। अब जेड क्यू जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है ए और बी ने दोनों मिलके, तो ए की स्पीड है 3 और 4 यानी दोनों का हो जाएगा सम 7 और टाइम मान लिया टी, इसका मतलब है 70 = 21/4, तो टी की वैल्यू हो गई 3/4, यानी जब बी रिटर्न हुआ और ए इधर से जेड से आगे चलना हुआ तो ये 3/4 आवर्स में मीट कर गया,
अब तक ए ने कितना चल लिया, यानी जेड आर की वैल्यू हो गई ए की स्पीड 3 इंटू टाइम है 3/4, ये हो गया 9/4 किलोमीटर। और हमसे पूछा है पी से आर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, यानी पी आर, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी पी जेड प्लस जेड आर, यानी ये डिस्टेंस प्लस जो ए ने चला, इसकी वैल्यू है 21/4 × 3 प्लस 9/4। तो 4 एलसीएम कॉमन ले तो ये हो गया 63 + 9 यानी 72/4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में हमें कहते हैं टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25 देन रेशियो बिकम 3:4, फाइंड द सेकंड नंबर। देखिए पहले रेशियो क्या था, 4:5 था, फिर इसमें से भी 25 माइनस, दूसरे में भी 25 माइनस, तो रेशियो क्या बन गया 3:4। इस सेकंड नंबर हमें बताना है क्या, देखिए सेकंड नंबर पे हम शॉर्टकट लगाएंगे फोकस करें तो देखिए ये मल्टीपल ऑफ 5 था, तो हमने देखिए चारों मल्टीपल ऑफ 5 दे रखे तो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन 25 माइनस के बाद वो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। अगर मैं इसमें से 25 माइनस कर दूं ये हो गया 95, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसमें से 25 माइनस किया ये हो गया 105, ये भी नहीं होगा, इसमें से 25 माइनस किया ये हो गया 110, ये भी नहीं होगा, इसमें से 25 माइनस करता हूँ तो देखिए 100 आ रहा है, यानी ये करेक्ट है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट हमें दे रखा है 110 में, क्वेश्चन नंबर 110, 10 इयर्स है को रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 3:1, तो हम ए की मान लेते हैं प्रेजेंट एज एक्स, बी की मान लेते हैं वाई, तो हमें पहली चीज क्या दे रखी कि एक्स माइनस 10 अपॉन वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 3/1, आफ्टर 10 इयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:1, आफ्टर 10 ईयर दे रखा है दोनों का रेशियो हो जाएगा 2/1, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी ये जो हमने माना था एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, सिंपल इक्वेशन है एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 3y - 30, इसको हम इधर ले आएंगे तो एक्स माइनस 3y विल बी -20, पहली इक्वेशन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2y + 20, एक्स माइनस 2y विल बी इक्वल टू 10। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, देखिए x x एलिमिनेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3y + 2y = -20 - 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30, और y की वैल्यू इसमें किसी में भी रख देंगे हम तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 7, तो दोनों का सम प्रेजेंट एज इसका हो गया 70 + 30 = 100, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है कि इस क्वेश्चन में यानी 111 में एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज 19 ईयर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये 19 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था 9 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन 9 ईयर, इफ द एज ऑफ दियर टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज एज becomes 10 years. इस तरीके से अगर क्वेश्चन होता तब हम सॉल्व कर सकते थे, क्या शॉर्टकट लगाते कि देखिए 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज है 9 years, जब टीचर भी आ गया यानी 31 लोग हो गए तो एवरेज एज हो गई 10 years, यानी जो टीचर आया उसकी एज हम लिख सकते हैं, टीचर की एज होगी लेकिन 9 तो होनी थी ताकि वो एवरेज मेंटेन रहता, प्लस 31 लोगों की उसने एवरेज इंक्रीज कर दी 1 से 9
मर्चेंट बोरोड रुपीज 2500 फ्रॉम टू मनी लेंडर्स फॉर वन लोन ही पेड 12% पर एन एम एंड अदर 14%. द टोटल इंटरेस्ट वॉज दिस. हाउ मच डिड इट बोरो एट ईच रेट. तो देखिए इसमें ये तो हम इक्वेशन बना के कर लेते कि एक्स अमाउंट इससे लिया 12% रेट पर, तो 25 माइनस एक्स उसने लिया 14% पे. हम इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते थे कि एक्स इंटू 12 इंटू 1/100 प्लस 2500 माइनस एक्स इंटू 14 इंटू 1/100, इन दोनों का सम हमें दे रखा है 3.6. आप ऐसे भी कर सकते हैं वरना हम ऑप्शन लेके हेल्प कर सकते थे. अगर ऑप्शन ए में लेता 1200 तो देखिए क्या आता. 1200 को मैं ले लेता कि 1200 उसने 12% पर लिया तो कितना बचा, 1300 बचा वो 14% पर. देखिए 0 से 0, यहाँ 0 से 0, ये आ गया 144 प्लस 182, आंसर मिल के हो जाएगा 326. यानी ऑप्शन ए से ही हमें मिल जाता है, यानी 1200 उसने 12% पे लिया. लेकिन इसमें ऑप्शन दो होने चाहिए थे ताकि हमें पता रहता कि 1300 पे उसने, क्योंकि तो यहाँ 1300 ऑप्शन बी भी है और रेट उसमें मेंशन नहीं है. तो हाउ मच डिड ही बोरो एट ईच रेट, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन लिखे होने चाहिए थे कि 1200 एट 12% एंड 1300 एट 14%. ये क्वेश्चन भी आपका डाउटफुल में जाना चाहिए कि इसमें भी मार्क्स नहीं होने चाहिए. तो दो क्वेश्चन आपके अब तक रॉन्ग हो गए, जिसमें जब आप आंसर किया आएगी तो देख लीजिएगा उसमें मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. ना क्वेश्चन नंबर 113, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹75, कॉस्ट फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर रिड्यूस बाय 20%, प्रेजेंट कॉस्ट पूछ रहा है. तो हमें पता है कि सेम परसेंटेज से अगर हम इंक्रीज करते हैं फिर सेम परसेंटेज से डिक्रीज कर देते हैं तो ओवरऑल क्या होता है, एक डिक्रीज होता है. कितना, जो भी हमारी परसेंटेज होगी डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, कितने परसेंट का हमें लॉस होता है. तो यहाँ पर हमें यानी 4% का लॉस होगा. तो कितना हमें कम करना पड़ेगा, 4% जो लॉस हुआ है डिक्रीज हुआ वो हो गया 4/100 × 75. तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 रुपीज हमें कम करने पड़ेंगे. तो जो 75 था उसमें से -3 = 72 रुपीज हो जाए. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 72 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 114 पर आते हैं. On a test consisting of 250 questions, Jassi answered 40% of the first 125 correctly. What percent of other 125 questions she need to? ठीक है, यहाँ पर सेम नंबर से 125 125, ये 40% करेक्ट करे हैं तो वो पूछ रहा है कि टोटल के 60% कब करेक्ट हो जाएंगे. तो देखिए हाफ और हाफ में डिवाइड है तो सीधे ये परसेंटेज भी क्या हो जाएगी, इन दोनों का एवरेज. तो 60 + 4 यानी 100 / 2, इन दोनों का जो एवरेज है वो 60 होना चाहिए. 40 अगर मैं इसे मान लूं तो 40 + x / 2 = 60, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 80. आंसर विल बी ऑप्शन बी. यानी अभी तक सिर्फ 40 किए हैं, जब आधा पेपर में उसने 40% से किया है तो जो हाफ पेपर है उसे 80% एक्यूरेसी से करना पड़ेगा, तब मिलके ओवरऑल एक्यूरेसी 60% है. क्वेश्चन नंबर 115, इफ रवि सैलरी 25% मोर देन राजू, तो राजू सैलरी कितनी कम होगी. देखिए डायरेक्ट है, मैंने अपने क्लासेस में भी सब करा रखे हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं, लाइक जाके मेरे चैनल पे जितने पढ़े हैं सब क्वेश्चंस हैं. उसमें 25% है तो कितनी कम हो जाएगी, 25% को हम 1/4 कर सकते हैं. तो 1/4 + 1 यानी 1/5 कम है. तो 1/5 इस परसेंटेज में इक्विवेलेंट 20%. आंसर विल बी ऑप्शन बी 20%. अ सम ऑफ मनी, क्वेश्चन नंबर 116, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 50 इयर्स, 3 टाइम्स हो जाता है. यानी जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो जाती है प्रिंसिपल के. इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल गया, प्रिंसिपल का डबल, यानी 200% इंक्रीमेंट हो गया हमारा कितने इयर्स में, 15 इयर्स में. तो वो पूछ रहा 5 टाइम्स, यानी अमाउंट 5 टाइम्स होनी चाहिए
उसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स, यानी 400% इंक्रीमेंट के लिए कितना लगेगा, 15 × 2 यानी 30 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट कांस्टेंट होता है, तो 200% अगर 15 ईयर्स में, तो 400% होगा 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें। टू इक्वल अमाउंट ऑफ मनी वर डिपॉजिट इन टू बैंक्स एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 5 ईयर रिस्पेक्टिव। डिफरेंस बिटवीन दियर इंटरेस्ट इज 144। मान ली एक्स अमाउंट है, मान लेते हैं एक्स, तो एक्स क्या, एक 15% पर है 3.5 साल के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट होगा, और दूसरे में होगा 15% है 5 ईयर्स। इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है वो 144 है, तो पी की वैल्यू या जो हमने एक्स माना था इसकी वैल्यू बता। ईच सम, दोनों सम इक्वल है, तो एक ही आंसर आएगा। हम इसमें से देख सकते हैं, देखिए 15 कॉमन है, तो 15x/100 कॉमन ले लेते हैं, ये बड़ी वैल्यू है, तो इसमें से ये छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी, मतलब 5 − 3.5 इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस है 144, क्वेश्चन में दिए हैं। देखिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 144 × 100 डिवाइडेड बाय 15 इंटू, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1.5 × 15 × 10। अब देखिए इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ 5 से 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 2, 5 से 3 टाइम्स ये आ जाएगा 20, 3 × 3 = 9, 9 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 9 × 9 = 50। एक्स की वैल्यू आ गई 16 × 20 × 2, तो 16 × 2 = 32, 320 × 2 = 640, तो ऑप्शन ए 640 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है। ए लेंट 600 to B फॉर 2 ईयर्स एंड 150 to C फॉर 4 ईयर एंड रिसीव ऑल टुगेदर बोथ ₹90 सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है कितना होगा, तो देखिए ए से हमें इंटरेस्ट मिलेगा 600 की अमाउंट थी 2 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता। प्लस बी से कितना मिलेगा, 150 अमाउंट 4 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, दोनों का सम है इक्वल टू 0 से 0, ये हो गया 12 आर, प्लस 154 × 600 और उसको डिवाइड करेंगे 6 आर इक्वल टू 90, 15 आर = 90, आर आ गया 5%, ऑप्शन सी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी फेचेस ₹408 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। देखिए अमाउंट पूछी है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल सम, पी पूछा है, सी आई दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए अगर हम फार्मूले से रखने करें तो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखिए सब 1000 1000 के फॉर्म में है, तो इससे ज्यादा आसान है ऑप्शन से करना, तो वी विल टेक ऑप्शन ए। हमें दे रखा है 6000 × ये तो हो गया पी, 1 + 4/100 2 स्क्वायर, 4 × 1 = 25, ये हो जाएगा देखो 600 × 26/25 × 26/25। अगर मैं 25 से ये से कैंसिल करूँ तो 25 × 2 = 50, देन 10 बचा 240। लेकिन अब देखिए 240 25 से पूरा डिविजिबल नहीं है, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये डेसिमल में कुछ वैल्यू आएगी, और यहाँ पर डेसिमल नहीं है, क्योंकि आंसर जो आना चाहिए था वो जो भी हमने अमाउंट लिया प्लस उसमें इंटरेस्ट, ये अमाउंट यहाँ कुछ डेसिमल में नहीं है, तो हम ऑप्शन ए को कर देंगे रिजेक्ट। ऑप्शन बी पर आते हैं, ऑप्शन बी है देखिए 5000 हो जाएगा × 26/25 × 26/25, ये कम्प्लीटली डिविजिबल, 26 200 25 8, ये हो जाएगा 26 × 26 × 8, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा 540। 5408 अमाउंट आ गई, 5000 हमने प्रिंसिपल लिया था, तो इंटरेस्ट आ रहा है 408, ये क्वेश्चन में गिविन भी है 408, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 में दे रखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स। तो फर्स्ट 20 मल्टीपल्स यानी 3 + 6 + 9 अप टू ऐसे कितने टर्म्स होंगे, 20 टर्म्स, इनका सम डिवाइड बाय 20, ये क्या हो जाएगा एवरेज। एवरेज इज सम अपॉन नंबर। अब सम करने के लिए हम लिख के इसे सम नहीं करेंगे, हम सीधे 1, 3 कॉमन लिया तो हमें पता चल गया ये एक नेचुरल नंबर का बन गया जिसके कितने टर्म्स हैं 20, और सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 20 से 20 कैंसिल, या ये 63/2 यानी 31.5, ऑप्शन बी 31.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 121 में दिया है एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, यानी कितने दिन का, मंडे टू थर्सडे। तो अगर हम सम कर ले, मैं सम लिख रहा हूँ, सम ऑफ मंडे थर्सडे टेम्परेचर, तो 4 डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 4 × 37 ये आ जाएगा 74 × 2 यानी 148 कितने डिग्री सेंटीग्रेड इसका सम है। फिर नेक्स्ट में दिया है सम ऑफ व्हाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यानी 3 डेज, इसका सम हो जाएगा 90 × 12 = 102। इससे देखिए हमें पता चल गया कि ट्यूसडे से थर्सडे का तो इतना है, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस थर्सडे यानी 102 इक्वल टू मंडे से थर्सडे। तो मंडे का टेम्परेचर हमें पता चल गया 46 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे क्या दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स रेट ऑफ 4/5 × 46, ये आ गया 9.2 × 4 = 36.8, सबसे क्लोज ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 37। नेक्स्ट दे रखा है एवरेज का, देखिए शॉर्टकट से होंगे एवरेज के क्वेश्चन। तो एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीजेस बाय 1.5 इफ अ मैन हुज वेट इज 65 केजीज रिप्लेस बाय अनदर मैन। वेट ऑफ द न्यू मैन, वेट ऑफ द न्यू मैन क्या होगा, देखो 65 तो होगा ही होगा क्योंकि रिप्लेस उसने किया 65 वाले को, लेकिन अब क्या करा उसने 8 प्यूपिल का वेट बढ़ा दिया कितना 1.5 एवरेज, यानी टोटल उसने कितना वेट बढ़ा दिया 8 × 1.5 यानी 12, 65 तो चाहिए एवरेज मेंटेन के लिए और 12 एक्स्ट्रा उसका वेट होना चाहिए यानी टोटल होना चाहिए 77। अ शॉपकीपर सेल्स कमोडिटी इज 1470 एंड अर्न्स इतना प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर 123 कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस जितना प्रॉफिट परसेंटेज होता है हम। तो यहाँ पर देखिए 16 2/3 को हम ले लेंगे 1/6 फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी सेलिंग प्राइस कितना है जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है प्लस 1/6 ऑफ सीपी क्या प्रॉफिट है। हमें पता चल गया एसपी इज इक्वल टू 7/6 सीपी, दिस इंप्लाइज सीपी इज इक्वल टू 6 × SP/7, यानी 6 × सेलिंग प्राइस कितना गिवन था, ये है 1470 / 7, ये 210 × 6 = 1260, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 में हमें दिया है कोकोनट मर्चेंट फाइंड्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 कोकोनट, 2750 कोकोनट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 कोकोनट, तो लॉस और गेन परसेंट। तो देखिए इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, देखिए गुड्स लेफ्ट अपॉन गुड्स सोल्ड × 100%। तो यहाँ पर देखिए गुड्स लेफ्ट कितने, 2500 उसने सेल कर दिए तो 250 कोकोनट बचे रहे और सेल कितने किए उसने 2500 × 100%, ये आ गया 1/10 × 100%, यानी आंसर हो गया ऑप्शन डी 10%।
125 इफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज 178 एट अ लॉस ऑफ 11%। अगर हम सेल कर रहे हैं 178 पे तो 11% का लॉस हो रहा है, तो क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट कितना मिल जाए 11%। तो पहले हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। हमें पहले दे रखा है कि सेलिंग प्राइस इज 89% ऑफ, 11% का लॉस हो रहा है यानी 11% कम पर बेच रहा है। हमें दे रखा 178 इज इक्वल टू 89% ऑफ सीपी, हम लेते हैं एक्स, ये हो गया 89 टूजा, तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई कितनी थी, 200 रुपीज। अब हमें कितने प्रॉफिट पे बेचना है, 11% पे, तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 111 100 into 200, 11% ज्यादा पे तो 111% पे बेचेंगे, आंसर आ गया 222, ऑप्शन सी 222। क्वेश्चन नंबर 126 बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। गिवन अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट परसेंट होती है, हमने क्लास में डिस्कस किया था, वीडियोस आप देखेंगे हमारे सिंपल प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाले, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, गुड्स लेफ्ट अपॉन गुड्स सोल्ड। यहाँ गुड्स लेफ्ट कितना है, देखिए 100 900 ग्राम ही दिया उसने 1000 की जगह, और कितना सेल किया, सिर्फ 900, ये हो गया 1/9। 1/9 इस परसेंटेज में इक्वल होता है 11/9%, तो आंसर विल बी 11/9%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पीस ऑफ लैंड कम्स टू पर्सन थ्रू 3 मिडिलमैन ईच गेनिंग 20%। इफ द पर्सन परचेज लैंड फॉर दिस मच अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 127, देखिए ओरिजिनल जो उसकी कॉस्ट थी उसमें क्या हो रहा है, देखिए 20% यानी 1.2 पहले पर्सन ने लिया, 1.2 मतलब 20% लिया तो इंक्रीज हो गई कॉस्ट 1.2 हो गई, और तीसरे पर्सन ने लिया तो फिर मल्टीप्लाई 1/2 हो गई, और इसके बाद ये कॉस्ट हो गई। उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो थी 345600, ये जो हमने इंक्रीमेंट हुआ इससे डिवाइड कर देते हैं, तो मैंने 1000 इधर लिख लिया, डेसिमल हटा दिए, तो 12 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो देखिए 12 2 24, 10 बचा 105, तो 12 8 96 96, के बाद फिर बचा 9, देन अगेन 96, तो दिस वन आ गया, अगेन 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 2 24 148, तो यहाँ 2400, और फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 200, तो ओरिजिनल कॉस्ट आ गए 200 into 1000, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी दिस वन। क्वेश्चन नंबर 128, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ्स, 48 पास इन फिजिक्स एंड 30% पास इन बोथ, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी मैथ्स में कितने पास हैं 65%, फिजिक्स में कितने पास हैं 48%, और बोथ हैं जो दोनों में पास हैं वो हैं 30%। तो हम निकाल लेंगे जो कि एक सब्जेक्ट में पास हैं जब मैथ्स और फिजिक्स में, तो वो हो जाएगा 65 + 48 - 30, जो दोनों पास होते हैं दोनों में काउंट हुए मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी, इसीलिए हम इसे माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 48 - 30 18 18 + 65 73 80, यानी 83 स्टूडेंट पास है, सॉरी दोनों में से किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में, जो बोथ फेल, जो स्टूडेंट दोनों में से फेल हो गए वो कितने हो गए टोटल -83% यानी 17%, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू द लीस्ट 3-डिजिट नंबर सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 45। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 129 की, तो 45 देखिए 45 × 2 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें पता 900 होता है, 900 में
90 जोड़ दें तो हो गया 990। लीस्ट थ्री डिजिट नंबर एडिट टू द लीस्ट थ्री डिजिट नंबर, लीस्ट थ्री डिजिट नंबर, ये देखिए सिंपल। 45 को अगर हम लीस्ट थ्री डिजिट नंबर हो, लीस्ट थ्री डिजिट नंबर की हम बात करें तो सबसे छोटा थ्री डिजिट नंबर कौन सा है? 100। तो और सिंपल है, देखिए 45 टू जा क्या होता है 90, 90 में अगला अगर हम 45 ऐड करें तो 135 डिविजिबल होता है। तो हमें 100 यानी लीस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100, इसमें हम क्या ऐड कर दें 35, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 35। सॉरी मैंने कैलकुलेट लीस्ट फोर डिजिट के हिसाब से कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन में क्या था लीस्ट थ्री डिजिट, तब भी आंसर 35। ठीक है, 130 क्वेश्चन नंबर में हमें दे रखा है, एट अ पार्टी देयर आर 43% इन ऑल, टोटल पर्सन हमें दे रखे हैं 43, नंबर ऑफ वुमेन इज टू मोर देन मैन, वुमेन क्या है मैन से दो ज्यादा है, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज फोर लेस देन मैन, हाउ मेनी वुमेन आर इन द पार्टी, ये पूछ रहा है वुमेन कितनी है। तो देखिए तीनों का सम यानी चाइल्ड प्लस वुमेन प्लस मैन हमें दे रखा है 43, चाइल्ड है मैन माइनस 4, वुमेन है मैन प्लस 2, मैन तो मैन है ही, कुल 43। इससे हमें एन की वैल्यू पता चल जाएगी, माइनस 2 इधर जाएगा 45/3 यानी कि 15 मैन, तो वुमेन हो गई 15 प्लस 2 70, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 70। क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दिस 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 62 130 एंड लीव द सेम रिमाइंडर। तो ये हमारे HCF-LCM मॉडल का हमने क्वेश्चन में किए थे, आप वीडियो में देख सकते हैं HCF-LCM मॉडल पे, कि अगर ये केस हो कि तीन नंबर्स दे रखे हैं और सेम रिमाइंडर हो, लेकिन रिमाइंडर हमें गिवन नहीं है, तो हमारा क्या मॉडल होता था, हम इसका डिफरेंस निकालते हैं और उसका पेयर बना के HCF ले लेते हैं, 132 - 62 और 237 - 132, इन दोनों का जो HCF होगा दैट विल बी अवर आंसर। तो ये हो गया देखिए 70 और ये हो गया 105, इन दोनों का HCF होगा 35। देखिए आंसर यहाँ पर है नहीं, सबसे क्लोज यही दे रखा है 25, लेकिन आंसर होगा 35। ये भी हमारा क्वेश्चन किसमें चला जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन। तो दो और एक यानी आपके अभी तक तीन क्वेश्चन ऐसे हैं, ये तो क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग या रॉन्ग है या फिर उनके ऑप्शन ठीक नहीं गिवे। क्वेश्चन नंबर 132 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 में दिया ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, ए और बी मिलके क्या करते हैं किसी वर्क को 8 डेज में निपटा देते हैं, बी अलोन, बी अगर अकेला करे तो उसे 12 डेज में कर देता है, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क, यानी टाइमलाइन बनाते हैं हम अपने वीडियोस में, देखिए सबको बताया बच्चों को कैसे करते हैं हम टाइमलाइन बनाते हैं, तो बी ने कितने दिन काम किया 4 डेज, फिर क्या हुआ बी ने छोड़ दिया और ए ने शुरू किया उस काम को और ए ने उस काम को एंड कर दिया, कितने दिन में ए उसे कर लेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी कितने दिन में कर सकता है 12 डेज में, तो बी ने 4 दिन किया यानी 1/3 उसने वर्क कंप्लीट कर दिया, अब बचा कितना 2/3, अब ए 2/3 वर्क कितने में करेगा, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ए कंप्लीट वर्क कितने दिन में करता है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/A + 1/B = 1/8, वन डे वर्क के हिसाब से बी का वन डे वर्क हमें गिवन है 1/12, तो ये जो 1/8 1/A आ गया, 1/8 - 1/12 1/24, यानी ए कर सकता है इसी काम को 24 डेज, तो जिस पूरे काम को ए 24 डेज में कर सकता है तो उसी को 2/3 वर्क को कितने दिन में करेगा, इक्वल टू 24 into 2/3 = 8 = 16, 16 डेज में उसको 2/3 वर्क को करना है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 16 डेज। क्वेश्चन नंबर 133 है, ये देखिए तो सीधे वाई कौन, तो इन्वर्ट एंड हम लगा देते हैं तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा 4/3,
इन्वर्टेंडो लगा दिया, इन्वर्टेंडो के बाद सीधे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आंसर विल बी 1 अपॉन 7 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 134 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या कह रहा है वो, इफ ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, then a is less than b, a is greater than b, a is equal to b and none. तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं a is equal to x into b, 1 upon x minus 1 b था हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब तीन केसेस बन सकते हैं, अगर x पॉजिटिव है तब भी हम देखेंगे कि a greater than b आएगा, x की कोई पॉजिटिव वैल्यू आप लेकर रख लो 3 ले लो मान लो, तो 3 into 1 upon 2 हो जाएगा। x अगर नेगेटिव ले हम अभी देखिए a greater than b आएगा, x अगर मान लो माइनस 3 ले लिया मैंने तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 अपॉन माइनस 4 यानी 3 अपॉन 4 और b हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, तो अभी भी a बड़ा है। और अगर x 0 भी हम अगर हम ले लें तो देखिए a तो 0 हो जाएगा लेकिन b क्या हो जाएगा माइनस 1 नेगेटिव, तो इस केस में भी a बड़ा है, तो तीनों केसेस में ए बड़ा होगा यानी हर केस में ओवरऑल हम कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, तीन इक्वल इक्वेशन दिए हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें से पहले 5x plus 8 को इक्वल टू 4x plus 9, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तो हमें मिल जाएगा 5x इधर आएगा x is equal to 1। अब हम इन दो को इक्वेट करते हैं यानी x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 9, x 1 है ये हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 की वैल्यू हो गई 13 माइनस 1 इज 12, तो ऑप्शन सी इज 12 करेक्ट आंसर। तो ये स्टूडेंट जामिया 2021 जो हेल्थ केयर का क्वेश्चन हुआ था ये एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम इसके पॉइंट के क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन थे M82 कोड सेट ए और कल हम इसकी डिस्कस करेंगे LRODI लॉजिकल रीजनिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, जो भी आपका फीडबैक है सजेशन है ज़रूर दीजिए और साथ में इस बार मुझे बताइए आप कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताइए।